नमस्कार, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत। मैं एग्रीकल्चर टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 12 के लेसन नंबर 6 जो अनाज वाली फसलें हैं, इसमें लेसन नंबर 6 में फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत अनाज वाली फसलें यानी सीरियल क्रॉप्स का अध्ययन करें, और इसके अंतर्गत हमने चावल के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन पिछले लेसन में कर लिया था, पिछले टॉपिक के अंतर्गत। अब आज हम गेहूं वीट के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वीट अब इसके अध्ययन करने से पहले आप एक तो प्रिय विद्यार्थी हो, आप लाइक और शेयर बहुत कम करते हो, तो आप एक तो आपके जो लाइक का जो बटन है उसको तुरंत दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। तो देखिए, वीट इसको स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड या अनाजों का राजा कहते हैं। ये कई बार पूछ लेते हैं अनाजों का राजा, तो गेहूं कहलाता है अनाजों का राजा, स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड। तो गेहूं को या वीट को कहते हैं स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड या अनाजों का राजा। इसका जो बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम या ट्रिटिकम वल्गेर। और उसका इसका जो कुल है, फैमिली पोएसी या ग्रेमनी, और इसका ओरिजिन उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया को इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है वीट का। तो जो वीट है, गेहूं है, इसको स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड या अनाजों का राजा कहा जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम या ट्रिटिकम बल्गेयर, और इसका जो कुल है, फैमिली है पोएसिया ग्रेमनी, उत्पत्ति स्थान ओरिजन दक्षिणी पश्चिमी एशिया। अब इसके क्लासिफिकेशन की, वीट का क्लासिफिकेशन है, तो देखिए इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है इमर गेहूं, और इमर गेहूं को ट्रिटिकम डाइकोमम कहते हैं, और ये त्रिगुणित है, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2N/28 क्रोमोसोम नंबर 28 है, और ये विशेष रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बोया जाता है। ये पूरे देश के 1% क्षेत्र पर बोया जाता है। जो इमर गेहूं है ट्रिटिकम डाइकोमम में, ये देश के 1% क्षेत्र पर बोया जाता है। दूसरा है ड्यूरम या मार्कोनी, और इसको कहते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम, और ये इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2N/28, और ये महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु इन क्षेत्रों के अंतर्गत बोया जाता है, और ये देश के 12% क्षेत्र पर इसकी जो खेती है 12% क्षेत्र पर की जाती है ड्यूरम या मार्कोनी गेहूं की। और इसके बाद में तीसरे नंबर का है मैक्सिकन या सामान गेहूं, चपाती गेहूं, बोना गेहूं या ब्रेड व्हीट गेहूं के नाम से जाना जाता है, और इसका वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, और ये देश के अधिकांश क्षेत्र यानी 87% भाग पर बोया जाता है। अब इसके विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके उपयोग की बात करते हैं। तो उपयोग तो आप सब जानते हो कि उपयोग गेहूं क्या काम आता है, क्योंकि ये विश्व के अंतर्गत सबसे अधिक खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है गेहूं। गेहूं विश्व में सबसे अधिक खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है, और दूसरे नंबर पर आता है चावल। भारत की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत जो सबसे अधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न है चावल, और गेहूं दूसरे नंबर पर आता है। तो देखिए इसका उपयोग, तो उपयोग देखिए, आप सबसे पहले तो इसका आटा बनाते हैं। गेहूं के आटे को विभिन्न कामों के अंतर्गत काम में ले सकते हैं आटा। अब आटे से चपाती या रोटी, डबल रोटी, ब्रेड, बिस्कुट, दलिया, सूजी, जो व्हाइट गेहूं होता है इससे सूजी बनती है, सूजी, और इसके अलावा जैसे पेस्ट्री वगैरह, जो पेस्ट्री बनती है पेस्ट्री, पशु आहार, इनमें इसका उपयोग होता है। अब इसमें देखें कि गेहूं के अंतर्गत जो कार्बोहाइड्रेट की बात, देखिए कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ है जो तुरंत ऊर्जा का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट
तो गेहूं के अंतर्गत जो कार्बोहाइड्रेट है ये 62 से 71% गेहूं में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है ये 62 से 71% पाई जाती है। प्रोटीन, प्रोटीन 11 से 12% गेहूं के अंतर्गत प्रोटीन की मात्रा 11 से 12% और इसे ग्लूटीन जो प्रोटीन पाया जाता है कहते हैं ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है इसके अंतर्गत। इसका जो पुष्प क्रम है गेहूं का जो पुष्प क्रम है वो स्पाइक हेड या ईयर कहलाता है, हेड या ईयर उसको हम स्पाइक हेड या ईयर। इसमें देखिए जो फल या इसका बीज होता है, फल का प्रकार, तो इसके जो फल का प्रकार है कैरियोप्सिस, इसका जो फल का प्रकार है वो कैरियोप्सिस। गेहूं के जो फल का प्रकार है वो कहलाता है कैरियोप्सिस। और इसमें देखिए इसके जो गेहूं परियोजना का जो निदेशालय है, गेहूं परियोजना का निदेशालय गेहूं परियोजना का निदेशालय ये है करनाल हरियाणा। गेहूं परियोजना का निदेशालय करनाल हरियाणा। इसमें देखिए अंतरराष्ट्रीय गेहूं प्रजनक यह डॉक्टर एस राजराम अंतर्राष्ट्रीय गेहूं प्रजनक। इसके अलावा मानव निर्मित प्रथम धान किस्म मानव निर्मित प्रथम धान फसल और यह है ट्रिटिकेल जो मानव निर्मित प्रथम धान फसल है यह ट्रिटिकेल। और एक गेहूं और राई के संकरण से तैयार की गई है, तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहे। तो देखिए हमने सबसे पहले जो आपके क्रॉप प्रोडक्शन है फसल उत्पादन है इसके अंतर्गत जो सीरियल क्रॉप्स है सीरियल क्रॉप्स के अंतर्गत हम ब्रीड का अध्ययन कर रहे हैं और वीट को स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड या अनाजों का राजा के नाम से जाना जाता है और इसका जो वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम या ट्रिटिकम बल्गेर और इसके जो फैमिली है कुले पोएसिया ग्रेमी। इसका ओरिजिन उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिमी एशिया को माना जाता है। गेहूं का जो उपयोग है आटा चपाती रोटी डबल रोटी ब्रेड बिस्किट दलिया सूजी पेस्ट्री या पशु आहार में किया जाता है। इसके अंतर्गत जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है गेहूं के अंतर्गत 62 से 71% होती है। प्रोटीन की मात्रा 11 से 12% ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है इसके अंतर्गत। पुष्पक्रम स्पाइक हेड एयर का नाम से जाता है और इसमें जो फल का प्रकार है वो कहलाता है कैरियोप्सिस। और गेहूं परियोजना का जो निदेशालय करनाल हरियाणा के अंतर्गत है और अंतर्राष्ट्रीय गेहूं प्रजनक डॉक्टर एस राजराम को माना जाता है और मानव निर्मित प्रथम धान फसल है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल गेहूं और राई के संकरण से तैयार की गई है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बौनेपन का जीन, गेहूं के अंतर्गत जो बौनेपन का जीन है
हमने बोनी पनकर जीन चावल के अंतर्गत पढ़ा था डीबू जीन, तो चावल ये डीबू जीन बोनी पनकर जीन था। अब इसमें गेहूं में बोनी पनका जीन, तो देखिए इसमें बोनी पनका जीन कौन सा है, बोनी पनका जीन। तो देखिए गेहूं के अंतर्गत जो बोनेपन का जीन है वो है नॉरिन 10, नॉरिन 10 गेहूं के अंतर्गत बोनेपन का जीन है नॉरिन 10। और 1960 में डॉक्टर नॉर्मन ई वॉरलॉक द्वारा, 1960 में से डॉक्टर नॉर्मन ई वॉरलॉक द्वारा मैक्सिको में विकसित किया, तो देखिए गेहूं में जो बोनेपन का जीन है वो है नॉरिन 10, और नॉरिन 10 1960 में डॉक्टर नॉर्मन ई वॉरलॉक द्वारा मेक्सिको में विकसित किया गया। नॉर्मन ई वॉरलॉक को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक, और भारत के अंतर्गत डॉक्टर स्वामी रामनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अब इसमें बीज परीक्षा भार, टेस्ट वेट देखिए टेस्ट वेट क्या होता है कि इसमें जो 1000 दानों का भार, 1000 दानों का भार, तो ये होता है बीज परीक्षण भार 40 ग्राम, यानी 1000 दानों का भार। तो गेहूं का जो टेस्ट वेट होता है वो 40 ग्राम होता है। और इसके अंतर्गत एक प्रमुख खरपतवार है, इसके अंदर प्रमुख खरपतवार गेहूं के अंतर्गत जो खरपतवार होती है गेहूं सा, और इसका वानस्पति नाम है फेलोरिस माइनर। गेहूं के अंतर्गत जो ये खरपतवार है गेहूं सा फेलोरिस माइनर, और इसका जो टेस्ट वेट है, इसका जो फेलोरिस माइनर का टेस्ट वेट है बीज परीक्षण भार है वो 2 ग्राम है। आप देखिए इसमें कि गेहूं सा का जो 1000 दानों का भार है वो है 2 ग्राम। अब इसमें देखिए कि जो कटाई के समय गेहूं के अंतर्गत जो कटाई के समय नमी रहती है, ये बाद में आएगा तो फिर भी बता देता हूं आपको, कटाई के समय नमी 20% होनी चाहिए, कटाई के समय से नमी 20%। अब इसमें देखिए उत्पादन की बात करते हैं, इसका प्रोडक्शन उत्पादन, तो देखिए इसका जो प्रोडक्शन है, तो गेहूं का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में, गेहूं का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होता है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादकता भारत में, सबसे अधिक उत्पादकता जो वीट की सर्वाधिक, सबसे अधिक उत्पादकता वो है पंजाब की, वीट की सबसे अधिक जो उत्पादकता है वो है पंजाब की। और यदि राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो इसमें आएगा हनुमानगढ़, आपको गंगानगर मिल सकता है किताबों के अंतर्गत पिछले आंकड़ों के अनुसार, लेकिन वर्तमान में हनुमानगढ़, इसके बाद में गंगानगर। तो राजस्थान में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है हनुमानगढ़ के अंतर्गत। इसमें देखिए कि भारत में सबसे अधिक जो गेहूं का उत्पादन होता है वो यूपी में होता है, और सबसे अधिक जो उत्पादकता है पंजाब की, और पंजाब की जो सबसे अधिक उत्पादकता है 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर,
45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर के अंदर पंजाब में कितना होता है 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये तो गेहूं के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब इसके जो भौगोलिक दशाओं के बारे में बात करते हैं कि वीट उत्पादन की भौगोलिक दशाएं, गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं इसके लिए आ सके, तो देखिए इसके लिए जो भौगोलिक दशाएं, सबसे पहले जलवायु क्लाइमेट, क्लाइमेट। तो देखिए गेहूं के लिए जो जलवायु चाहिए, शीतोष्ण जलवायु का आवश्यक होती है, शीतोष्ण जलवायु, यानी भारत के अंतर्गत जो गेहूं की फसल की जाती है वो रबी के की आती है, रबी। तो देखिए एक तो आपको मैं रबी और खरीफ की फसल याद करने का सबसे सीधा तरीका बता रहा हूं कि देखिए आपको एक ध्यान रखना रबी और एक खरीफ, और रबी और खरीफ में आपको अंतर करना है। तो आप दो शब्द ध्यान रख लो, जैसे रबी, रबी में दो शब्द है तो आपके गेहूं में भी दो शब्द है गेहूं। अब आपको कुछ नहीं याद करना, रबी का नाम आते आपके दिमाग आ जाती है गेहूं। अब गेहूं के साथ में कौन कौन सी फसल बोई जाती है, जैसे चना बोया जाता है, जौ बोया जाता है, इसके अलावा सरसों बोई जाती है। गेहूं के साथ में जो फसलें बोई जाती है वो सारी फसलें किस में आती है, रबी में। अब खरीफ, खरीफ के लिए आप एक शब्द याद रख लो, बाजरा, बाजरा। अब बाजरे में तीन शब्द है, खरीफ में भी तीन शब्द है कि खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती है, तो बाजरा दिमाग पे लग लो। अब बाजरे के साथ साथ में जो भी फसलें बोई जाती है, बाजरे के साथ में ज्वार बोई जाती है, मक्का बोई जाती है, मूंगफली आ जाती है, या इसके अलावा आपके जैसे मूंग आते हैं, दालें वगैरह आती है, तो ये किस्में आ जाएगी खरीफ के, बाकी फसलें जायद की फसलें। तो एक थोड़ा सा शॉर्ट तरीका था ये। तो अब गेहूं है, ये किस तरह की फसलें हैं, खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। अब इसमें टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर इसके लिए तो देखिए टेम्परेचर गेहूं के लिए कितना चाहिए, अंकुरण के लिए, अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री, और जड़ फुटान के लिए, जड़ फुटान के लिए 16 से 20 डिग्री। इसके लिए एग्जिक्टर जो होता है वो 17 डिग्री होता है, राइट, लेकिन ये 16 से 20 डिग्री के लिए, जड़ फुटान के लिए। और इसके लिए दाना पकने के लिए इष्टतम तापमान, दाना पकने के लिए इष्टतम तापमान है 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो इष्टतम तापमान है, गेहूं के लिए इष्टतम तापमान, इष्टतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, इष्टतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके लिए आर्द्रता, वातावरण आर्द्रता 50 से 60% होनी चाहिए, 50 से 60%। तो देखिए इसके लिए जो क्लाइमेट है, शीतोष्ण जलवायु का आवश्यकता होती है, और टेम्परेचर अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जड़ फटार के लिए 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और दाना पकने के लिए 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इष्टतम तापमान 20 से 25 डिग्री, और आर्द्रता वातावरण 50 से 60% होनी चाहिए। अब है सॉइल, मृदा, देखिए सॉइल, तो देखिए इसके लिए सॉइल कैसा होनी चाहिए कि एक तो अच्छे जल निकास युक्त, क्योंकि इसमें पानी भरा नहीं रहना चाहिए, पानी अगर भर जाएगा तो गेहूं गल जाएंगे, तो पानी, इसके लिए बलुई दोमट, जल निकास युक्त बलुई दोमट और दोमट मृदा या जलोढ़, आप देखिए नदियों का किनारे जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी है वो ज्यादा उपयुक्त रहती है, जलोढ़। तो इसके लिए बलुई दोमट या जलोढ़ मृदा। अब इसमें गेहूं के पीएच मान, सॉइल पीएच, इसके लिए
सॉइल पीएच, देखिए गेहूं का जो पीएच मान है तो गेहूं की खेती के लिए जो पीएच मान है 6 से 8.5, 6 से 8.5। अब खेत की तैयारी, खेत की तैयारी, तो देखिए खेत को तैयार कैसे करते हैं, तो तैयार करने 3-4 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके 3-4 जुताई, 3-4 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। तीन चार जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं और फिर इसके अंतर्गत गोबर की खाद वगैरह ये मिलाई जाती है। और इसमें देखिए कि इसके लिए सीड रेट, बीज दर, सीड रेट कितनी चाहिए, तो देखिए बीज दर और इसके लिए सीड रेट तो देखिए बीज दर कितने चाहिए, सामान्य बुआई के लिए 100 केजी प्रति हेक्टेयर, सामान्य बुआई के लिए 100 केजी प्रति हेक्टेयर और पछेती किस्मों के लिए अधिक चाहिए, पछेती किस्मों के लिए 125 केजी प्रति हेक्टेयर, पछेती किस्मों के लिए 125 केजी प्रति हेक्टेयर। और इसके अलावा छिटकवा विधि के लिए, छिटकवा विधि के लिए 125 केजी प्रति हेक्टेयर, 125 केजी प्रति हेक्टेयर। और डिवलर विधि, इसमें 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर। तो देखिए ये मैं आपको डिवलर विधि पहले भी बता चुका, डिवलर क्या होता है कि एक इस तरह का एक कीप आकार एक पाइप सा होता है, कीप सा रहता है ये पाइप है। तो ये पहले क्या होता था कि जैसे जब जैसे बैल, जिस जमाने में हल से की जाती थी, बैलों के माध्यम से खेती की जाती थी, तो इस तरह का ये हल है। तो इसमें हल में क्या है कि इसको यहाँ पर बांध देते थे इसको, ये कीप को, तो इसमें इधर से ये जो बैलों को चलाने वाला व्यक्ति होता है और एक हाथ से तो बैल पकड़ते रहते हैं, दूसरे हाथ से किसी कट्टे वगैरह में बीज डालते और एक एक बीज इसमें से छिटकाता जाता है। आजकल ये जो कीप है आप देखोगा जो ट्रैक्टर के अंतर्गत है, जो मशीन से बुआई की जाती है, तो इस तरह की प्रकार नलिकाएं रहती है, तो इन नलियों के माध्यम से सीधा जो बीज होता है वो नीचे जाता है, साथ में से खाद और बीज दोनों साथ साथ जाते हैं। तो इसमें देखिए कि डिवलर के अंतर्गत कम बीज लगता है, 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर। अब बीजों को बोने से पहले इसका उपचार किया जाता है, बीज उपचार, तो देखिए बीज उपचार बीजों का उपचार कैसे करते हैं, तो ये तो 20% नमक के घोल में डुबाया जाता है, पहले इनको बोने से पहले 20% नमक के घोल में डुबोए, तो पहले तो इनको नमक के घोल में डुबाया जाता है बीजों को। और 2.5 केजी थायरम ग्राम, 2.5 ग्राम थायरम, 2.5 ग्राम थायरम या 2 ग्राम कार्बन डाइजिम, 2 ग्राम कार्बन डाइजिम
या 2.5 ग्राम मैंकोजेब मैंकोजेब 2.5 ग्राम मैंकोजेब या 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा 6 से 10 ग्राम प्रति केजी ट्राइकोडर्मा से बीजों को उपचार करते हैं। तो देखिए इसको बीज उपचार बोने से पहले बीजों को उपचार किया जाता है तो 20% नमक के घोल में डुबो जाता है या 2.5 ग्राम प्रति केजी थायरम या 2 ग्राम प्रति केजी कार्बन डाइजिम या 2.5 ग्राम प्रति केजी मैंकोजेब या 6 से 10 ग्राम प्रति केजी ट्राइकोडर्मा के घोल में बीजों को डुबो जाता है, इससे बीजों को उपचार किया जाता है। अब बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग, बुआई का समय, बुआई का समय, तो देखिए टाइम ऑफ सोइंग, तो गेहूं की जो बुआई कब की जाती है, तो बुआई देखिए रबी के फसलों के अंतर्गत आती है, तो इसमें जो असिंचित क्षेत्र होते हैं, असिंचित यानी जिन क्षेत्रों में वर्षा के आधार पर कृषि की जाती है, ऐसे सिंचाई के साधन नहीं होते, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर इस टाइम में इसकी बुआई की जाती है। और अगेती सिंचित क्षेत्रों की अगेती सिंचित क्षेत्रों की जो बुआई है वो 15 अक्टूबर से 7 नवंबर तक इसकी बुआई की जाती है। अब इसमें क्या है कि जो बोते समय जो दूरी रखी जाती है, इसमें देखिए जो दूरी कितनी रखी जाती है, जो कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी, देखिए कतार से कतार की दूरी रखी जाती है 20 से 22.5 सेमी कतार से कतार कतार की दूरी जो कतारों में होते हैं 20 से 22.5 सेमी और इससे प्लांट से प्लांट की दूरी यानी पौध से पौध की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी 10 सेमी रखते हैं, पौध से पौध की दूरी 10 सेमी रखते हैं। अब इसकी गहराई देखिए, बीज की गहराई कितनी रखते हैं, गहराई यदि किस्म एक जीन वाली है, एक जीन, तो एक जीन वाली के लिए गहराई 4 से 5 सेमी और यदि दो जीन की है, दो जीन वाली है तो इसकी गहराई 5 से 6 सेमी और अगर तीन जीन वाले के लिए 3 से 4 सेमी और जो सामान्य किस्म होती है, सामान्य किस्मों के लिए 4 से 5 सेमी इतने 4 से 5 सेमी की गहराई पर बुआई की जाती है। तो इसमें देखिए जो दूरी कतार से कतार की दूरी 20 से 22.5 सेमी रखी जाती है और पौध से पौध की दूरी 10 सेमी रखी जाती है। इसकी गहराई होती है जो एक जीन वाली किस्म होती है 4 से 5 सेमी और दो जीन वालों की 5 से 6 सेमी, तीन जीन वालों की 3 से 4 सेमी और जो सामान्य किस्म में होती है उनकी 4 से 5 सेमी पर गहराई पर बुआई की जाती है। अब बुआई की विधि, सोइंग मेथड, बुआई की विधि, तो देखिए इसमें गेहूं की जो बुआई की विधि कौन कौन सी है, बुआई की विधि, सोइंग मेथड, तो देखिए इसमें जो वीट है इसकी बुआई की विधि कौन कौन सी है, पहली है ड्रिलिंग विधि, ड्रिलिंग विधि, दूसरी है फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल, फर्टिलाइजर कम
सीड ड्रिल, फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल दूसरी विधि है, फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल विधि। और जो थर्ड है छिटकवा विधि, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, छिटकवा विधि ब्रॉडकास्टिंग मेथड। और इसके बाद में चौथी विधि है डिबलिंग, चौथी जो मेथड है वो डिबलिंग, डिबलिंग विधि यानी डिबलर की सहायता से बोया जाता है डिबलिंग विधि। इसके बाद में बिहाइंड द प्लो मेथड, जो चौथा मेथड है बिहाइंड द प्लाउ मेथड, बिहाइंड द प्लाउ मेथड। और इसके बाद में एफ आई आर डी। तो ये इसमें ये बुवाई की विधियां हैं, ड्रिलिंग विधि, फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, डबलिंग विधि, बिहाइंड द प्लाउ मेथड और एफ आई आर डी। ये इसमें दर्ज गेहूं की बुवाई की विधियां है। अब इसमें बात करते हैं फर्टिलाइजर कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, खाद और उर्वरक, खाद वे उर्वरक। तो देखिए इसमें फर्टिलाइजर कौन कौन से लेते हैं, एक तो इसमें देखिए गोबर की सारी खाद 15 से 20 टन, गोबर की सड़ी खाद 15 से 20 टन। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी चाहिए, 120 केजी प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 120 केजी प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में इसमें फास्फोरस 60 केजी प्रति हेक्टेयर, 60 केजी प्रति हेक्टेयर। और इसके अलावा इसमें जो पोटास की मात्रा होती है वो 40 केजी प्रति हेक्टेयर, 40 केजी प्रति हेक्टेयर। देखिए इसमें जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा और इसके अलावा इसमें जो फास्फोरस और पोटास की मात्रा है, ये गेहूं के बीज बोते समय बीज के साथ में डाला जाता है, और जो आधा नाइट्रोजन यानी 60 केजी नाइट्रोजन बाद में खड़ी फसल में दिया जाता है। इसके अलावा इसमें जिंक डाला जाता है 25 केजी प्रति हेक्टेयर, जिंक 25 केजी प्रति हेक्टेयर, ये इसमें जिंक डाला जाता है। तो ये इसमें थी खाद एवं उर्वरक। अब इसमें देखिए कि इसकी सिंचाई कब करनी चाहिए, सिंचाई कब कब करनी चाहिए। तो देखिए इसमें सिंचाई का टाइम, गेहूं की जो सिंचाई कब कब करनी चाहिए। तो देखिए इसमें पहले तो अपन क्या है, जैसे देशी भाषा में बोलते हैं पड़ाव, पड़ाव क्या होता है कि जैसे गेहूं बोने से पहले खेत की सिंचाई की जाती है। अब इसमें कई जगह गेहूं ऐसा होता है कि मिट्टी के अवस्था पर निर्भर करता है, कहीं 3 पानी में गेहूं हो जाता है, कहीं 4 में हो जाता है, कहीं 5 में, अधिकतम 6 पानी की आवश्यकता होती है। तो जो पहला पानी दिया जाता है जिसको हमारे देशी भाषा में कोरवाण कहते हैं, तो 20-25 दिन बाद में दिया जाता है। तो इसमें देखिए जो पहली जो सिंचाई की जाती है, फर्स्ट सिंचाई की जाती है वो 20 से 25 दिन, 20 से बुआई के 20 से 25 दिन बाद में पहले सिंचाई की जाती है। और ये होती है शीर्ष जड़ जमाव अवस्था, शीर्ष जड़ जमाव, शीर्ष जड़ जमाव अवस्था। इसके बाद दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद, दूसरी 40 से 45 दिन बाद। और ये होती है फुटान के समय, फुटान के समय 40 से 45 दिन बाद, फुटान के समय। तीसरी है 60 से 65 दिन बाद, तीसरी 60 से 65 दिन बाद। और 60 से 65 दिन बाद जो अवस्था होती है गांठ बनते समय, गांठ बनते समय। इसके बाद में चौथी जो सिंचाई की जाती है, चौथी सिंचाई की जाती है 80 से 85 दिन बाद, 80 से 85 दिन बाद, बाल बनते समय, बाल बनते
समय, इससे जो बाल निकलती है बाल बनते समय। इसके बाद में पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिन बाद दूधिया अवस्था में। देखिए जब इसमें दाने पड़ जाते हैं, दाने पकते नहीं है दूधी अवस्था के अंतर्गत। और इसके बाद में अगली जो लास्ट सिंचाई की जाती है छठी सिंचाई 115 से 120 दिन बाद और एक दाना पकते समय। तो ये सिंचाई का समय। लेकिन वर्तमान में कई ऐसी फसल किस्में आती है, वेराइटियाँ है जो लगभग 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाती है। 3 अवस्थाओं में इसकी सिंचाई होती है। तो लेकिन ये जो मेन जो अवस्था है सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। इसमें देखिए जो इसका जो प्रोडक्शन होता है, गेहूं का जो उत्पादन होता है, तो देखिए उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन गेहूं का जो उत्पादन होता है, तो इसमें देखिए जो बोनी किस्मों का उत्पादन होता है 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बोनी किस्मों का 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और देसी व असिंचित इनका होता है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब इसमें बात करते हैं, देखिए इसके जो मेन है इसमें किस्में वेराइटी, देखिए इसकी गेहूं की किस्में कौन कौन सी है, किस्में तो इसकी देखिए किस्में वैरायटी ऑफ बीट्स, तो इसकी जो किस्में देखिए सबसे पहले एक जीन वाली या बोनी किस्म। देखिए एक जीन वाली या बोनी किस्म कौन कौन सी है, ये तो सोनालिका ट्रैक्टर भी आता है सोनालिका। इसके बाद में गिरिजा लर्मा राजो सोनालिका गिरिजा लर्मा राजो 64। इसके अलावा इसमें एच डी 2285 और सुजाता ये है एक जीन वाली। दूसरी दो जीन वाली तो देखिए दो जीन वाली कौन कौन सी किस्में, प्रताप कल्याण सोना अर्जुन एसडी 2009। इसके अलावा राज 1482 इसके बाद में तीन जीन वाली देखिए तीन जीन वाली किस्में कौन सी है, तीन जीन वाली हीरा मोती लाल बहादुर जवाहर संगम ज्योति। तो हीरा मोती लाल बहादुर जवाहर संगम ज्योति ये
तीन जीन वाले किस्में, अवे ड्यूरम गेहूं, ड्यूरम, चौथी है ड्यूरम। तो देखिए ड्यूरम गेहूं की जो किस्में है वो है राज 911, राज 911, इसका जयराम, जयराम, मेघदूत, मेघदूत, ये है ड्यूरम किस्में। अब ऐसे प्रचलित किस्में, प्रचलित, तो देखिए इसमें प्रचलित किस्में कौन कौन सी है, तो इसमें RJ 3765, RJ 3765, ये 75 किस्में, सरवती, सरवती, इसके अलावा इसमें एक है RJ 3077, RJ 3077, ये लवणीय एवं क्षारीय भूमियों के लिए है, लवणीय या क्षारीय भूमियों के लिए, जो RJ 3077 है ये लवणीय एवं क्षारीय भूमियों के लिए है। और एक इसमें WH 147, ये चपाती के लिए सबसे अच्छी मान जाती है, चपाती बनाने के लिए जो गेहूं की वैरायटी है वो WH 147। अब इसमें देखें कि गेहूं के अंतर्गत जो खरपतवार है, खरपतवार कौन कौन से हैं, तो इसमें देखें खरपतवार, तो आप इसके इसकी शॉट ले लीजिए पहले, तो अब इसकी खरपतवार, तो इसमें देखिए खरपतवार कौन कौन से है, ये तो एक बीज पत्री खरपतवार, खरपतवार, और इसमें एक बीज पत्री, एक बीज पत्री में सबसे महत्वपूर्ण है गेहूंसा, गेहूंसा, और इसको गेहूं का मामा भी कहते हैं, गेहूं का मामा, और इसका जो वानस्पतिक नाम है फेलोरिस माइनर, फेलोरिस माइनर, फेलोरिस माइनर, गेहूं का मामा फेलोरिस माइनर, या गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा, गांव में आप खेलते होंगे गुल्ली डंडा, तो इसके ये नाम है गुल्ली डंडा, ये इसको नकलची खरपतवार बोलते हैं, नकलची खरपतवार, नकलची खरपतवार, और गेहूंसा, इसके अलावा एक बीज पत्ती दूसरी है इसके अंतर्गत है इसके जो जंगली जई, जंगली जई, जंगली जई। अब इनकी रोकथाम कैसे की जाती है, कि रोकथाम के लिए बुआई से 35 दिन बाद आइसोबुटोप्रोपेन, आइसोबुटोप्रोपेन, बुआई के 30 से 35 दिन बाद आइसोबुटोप्रोपेन 750 ग्राम प्रति हेक्टर की दर से देते हैं, 750 ग्राम प्रति हेक्टर आइसोबुटोप्रोपेन, या सल्फोसल्फ्यूरान, सल्फो सल्फ्यूरान, सल्फो सल्फ्यूरान 20 ग्राम ये देते हैं। इसके अलावा इसमें द्विबीजपत्री खरपतवार कौन कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री, इसमें कृष्णनील, कृष्णनील, द्विबीजपत्री खरपतवारों के अंतर्गत है कृष्णनील, बथुआ, बथुआ, सेजी, कृष्णनील, बथुआ, सेजी, और हिरणखुरी, हिरणखुरी, और इन खरपतवारों का नियंत्रण के लिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं, 2,4-D। तो ये गेहूं की खरपतवार थी, और अब हम शॉर्ट ऑफ फटाफट गेहूं के रोगों के बारे में देखते हैं, रोग कौन कौन से रोग लगते हैं गेहूं के अंदर, कहते हैं रोग, तो इसमें देखिए गेहूं के अंतर्गत रोग है, पहला इसमें झुलसा रोग या पत्ती धब्बा रोग, झुलसा या पत्ती धब्बा रोग,
झुलसाया पत्ती धब्बा रोग। तो इसके रोग के लिए क्या करते हैं कि मैंकोजेब 2 ग्राम, मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर, मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 3 से 4 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करते हैं। इसके बाद गेहूं के अंतर्गत एक जो महत्वपूर्ण रोग लगता है रोली रोग, रोली देखिए गेहूं के अंतर्गत यह रोली रोग लगता है, यह इसके अंतर्गत है। और इसके छिड़काव के लिए 25 केजी प्रति हेक्टेयर गंधक, रोली रोग के नियंत्रण के लिए 25 केजी प्रति हेक्टेयर गंधक का चूर्ण 15 दिन के अंतराल पर खेत में दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पत्ती कंडवा रोग, तो देखिए जो पत्ती कंडवा रोग है इसके लिए 2 ग्राम बीटा वैक्स या सौर ऊर्जा से इसका उपचार करना चाहिए। इसके बाद इसका जो लास्ट हो गए टुंडू रोग, गेहूं के अंतर्गत लगने वाला टुंडू रोग या ईयर कोकल, इस रोग के अंदर क्या होता है कि गेहूं में जो दाने होते हैं तो दाने के जगह इसमें गोल कोकल से बन जाते हैं, काले धब्बे पड़ जाते हैं और उनसे एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। तो इस रोग से बचाव के लिए बीजों को 20% नमक के घोल में इसका उपचार किया जाना चाहिए डूबो कर। तो आज हमने इसमें गेहूं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया और मुझे विश्वास है कि टॉपिक आपको समझ आया होगा और ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।